कक्षा सप्तम के बच्चों के लिए है, देख रहे हैं ना, गणित का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा गणित कक्षा सात पूर्णांक, समय 2.5 घंटे, प्लेन विदाउट कोट, सेट 3 होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। यदि आपको अधिक से अधिक पेपर चाहिए तो शेयर करना पूरे भारतवर्ष में, इससे अच्छा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए यही चैनल सबसे अच्छा है। वीडियो समझ रहे हैं, बहुत पेपर डाले गए हैं, कोई भी वीडियो आप, और अगर अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो, पिछले साल का सभी पेपर जरूर देख लेना, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से यही में से कोई ना कोई मैच करेगा, पेपर आएगा, जब पेपर आ जाए, मिल जाए, मैच कर जाए, इसको अपना सहयोग समझना। अधिक से अधिक पेपर डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, देख रहे हैं ना। प्रमेय संख्या 16/14 का समतुल्य प्रमेय है 8/7, सरल कर दिया गया है, 2 चौक 2 8 16, 2 7 14। दूसरा 31/3125, मतलब 3125 का घातांकीय संकेत है 5 घाते 5, लेकिन कैसे जानेंगे, देख रहे हैं। 3125 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया 5 बार, 5 से काटते चला 1 2 3 4 5, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 घाते 5। जब इतना करने के बाद पता लगा कि ये 5 घाते 5, यह विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आप नहीं लगा सकते जब तक आपको आता नहीं होगा। 1/2 × 2 2 घाते 2, 2 घाते 2 का मतलब है 2 2 4, और 4 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2, ये 2 सही है। 3AB + 2ABC + 3ABC का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब देखिए कौन सा ऐसा गिनती है या अक्षर है जो तीनों में हो, तो AB तीनों में है, AB तीनों में है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड AB होगा। 2/7 × 7/4 का मान बताओ, अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा, 2 7 14, 4 7 28, 14/28 इसका गुणन सरलतम करेंगे, सरल रूप तो 14 14 14 14 2 28, 1/2 हो जाएगा। 2/3 × 3/2 × 3/4 का मान 3/4, देखिए 2/3 × 3/2 उल्टा लिखा गया है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/4, तो यही 3/4 आ जाएगा। 3/5 × 3/5 × 3/5 का मान बताओ, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 4 5 4 9 5 14, 3 घाते 14। समीकरण 5x-7 = x^5 को हल करो। अब देख रहे हैं ना, तीसरा सवाल का पहला ये हल किया गया है, 5x-7 = x^5, पक्षांतर करने में 5x-x = 5 × 7, उधर जाएगा 7, 5 में से 1 गए 4x, 7 × 5 = 12, x = 4 3 12, x का मान कितना हुआ, 3 हुआ। अगला दूसरा है का देख रहे हैं ना, इसमें अगला तीसरे का क्वेश्चन कौन सा है, वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, भुजा घाते 2, क्या होता है, भुजा घाते 2, तो भुजा 1 है, 1 घाते 2 = 1 × 1 = 1 करना में 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई में होता है, वर्ग लगा करके, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर में हो तो मीटर लिखिए, जिसमें हो वही लिख दीजिए, तो क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है। अगला क्वेश्चन है 512/729 का घन रूप लिखिए, तो इसका देख लीजिए, 512 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ किया गया है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 घाते 2 × 9 बार गुणा किया गया है, और यहाँ 729 को देखिए काटा गया है 3 1 2 3 4 5 6 बार, तो देख रहे ना, नीचे लिखा 3 बार 1 2 3 4 5 6, 3 3 का 3 बनाइए, 2 घाते 3 × 2 घाते 3 × 2 घाते 3 / 3 घाते 3 × 3 घाते 3, ये हो 2 2 4 2 8 घाते 3, और 3 3 9 घाते 3, तो इसका घन रूप क्या हो जाएगा, 8 8/9 घाते 3, देख रहे ना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है x + 2 × x + 3 का गुणनफल ज्ञात करो, इसका देख लीजिए, बिल्कुल आपको एक 2z हल मिल रहा है, x + 2 × x² + 2x, मैंने 3 से गुणा किया है पहले,
ए यक्ष से गुणा किया है इधर वाले से, यक्ष में यक्ष यक्ष स्क्वायर, यक्ष से तीन में गुणा करें थ्री यक्ष, टू से गुणा करें टू यक्ष, दुई दिया है छः, तो यक्ष स्क्वायर तीन दुई पाँच यक्ष धन छः, अब हो गया आंसर कितना है यक्ष स्क्वायर धन पाँच यक्ष धन छः। अगला सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार करो, सवाल नंबर चार का पहला खंड, ए प्लस बी का विस्तार है, सूत्र लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सूत्र लिख दीजिए, बस हो गया। अगला है अंकित मूल ज्ञात करो, जबकि विक्रय मूल 1900 रुपया है और बट्टा 5% है, यहाँ बट्टा गलत लिखा गया था, बच्चे लिखा गया था, तो बट्टा है 5%, तो इसको सवाल आपको लगाना पड़ेगा, यही कुछ डिफिकल्ट है। पहले देखिए, बट्टे के बाद विक्रय मूल 100 ऋण 5 = 95 रुपया, कहने का मतलब हुआ कि 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में बिक रही है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 95 रुपया विक्रय मूल है तो अंकित मूल 100 रुपया है, इसलिए एक विक्रय मूल होगा तो अंकित मूल 100/95, जब 1900 होगा तो गुणे 1900, 5 से काटे देख रहे हैं 19/95, यहाँ 19 आया और 1900 में 5 से भाग देंगे 380 आएगा, फिर 19 से भाग देंगे 19 का नाम 19 उन्नीस दो 20 आया, 20 गुणे 100 करेंगे 2000 हो जाएगा, तो अंकित मूल कितना था 2000 रुपया था, अब 5% अगर बच्चा देंगे 2000 का 100 रुपया होगा, 100 घटा दोगे तो विक्रय मूल 1900 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, निम्न समीकरण को सरल कीजिए, यक्ष बटे 5 प्लस यक्ष माइनस 3/3 प्लस 2x अपान यक्ष, देख रहे हैं पूरा सवाल दिखाई दे रहा है, इसको 5 3x का लघुत्तम 15x हुआ, ये 5 से भाग देंगे 5 15x बचेगा, और 3 3x आया, यक्ष में 3x से गुणा कर दिए 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 से भाग देंगे 5x आएगा, 5x ब्रेकेट के अंदर x माइनस 3 मतलब 5x से x माइनस 3 में गुणा करना है, प्लस x से x कट जाएगा 15 15 दूना 30x 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ गुणा कर देंगे 5x स्क्वायर माइनस 15x 15x हो जाएगा, प्लस 30x, अब 5 3 8x स्क्वायर, 30x में से 15 गए 15x हो जाएगा, अब बटे 15x, तो x कामा ले लिए तो 8x धन 15 बटे 15x, अब x से x कट जाएगा तो 8x धन 15 बटे 15 इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन आपको संपूर्ण A to Z क्वेश्चन हल मिल रहा है आपको, बिना कोर्ट का जो डिमांड वाला पेपर देख रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।